हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनल और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। देखते ही देखते 10 दिन पूरे हो गए और आज गणपति विसर्जन का दिन है, तो आज गन्नू दादा की विदाई है। तो बस उनके प्रसाद की तैयारी चल रही है, उनको भोग लगाने की तैयारी चल रही है। जैसे आपको देखा, मैंने गर्म पानी यहाँ पे रखा है बिकॉज़ मैं आज उनके लिए मोदक बनाने वाली हूँ एंड खट्टे चावल बनाने वाली हूँ। तो बस मैं यहाँ पे वही तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे मोदक बनाने के लिए पानी गरम रख दिया है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है एंड उसके साथ 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है। आप चावल का आटा चाहे तो घर पे भी मिक्सर में ग्राइंड करके बना सकते हैं, बट मैंने बाहर से मार्केट से मंगाया है। सो मैंने यहाँ पे 1 कप राइस फ्लोर लिया है एंड 1.5 कप पानी लिया है। तो पानी मैं उबलने के लिए रख दे रही हूँ जैसे ही मेरा पानी गर्म होगा हो रहा है वैसे मैं उसमें ने उसमें 2 चम्मच घी डाला है एंड अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हल्का सा आप डालिए, लाइक 1/2 टेबलस्पून जितना आप सॉल्ट डालिए। एंड पानी जैसे ही बॉईल होने लग जाए, अच्छी तरीके से उबलने लगे, तो आप चावल का जो ये आटा है उसको उसमें डालकर आपको मिक्स करना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे ये पूरा चावल का जो आटा है, पानी गर्म हो गया इसलिए मैं उसमें डाल दे रही हूँ एंड मैं डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं मोदक है ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसा बनेगा इसका रिज़ल्ट, पर प्रसाद है तो डेफिनेटली अच्छा ही बनेगा। प्रसाद, अगर प्रसाद का नाम ही अगर ऐड हो जाए तो बस है, फिर तो वो स्वाद आ ही जाता है। तो देखिए क्या होता है। तो बस जैसे देखिए, मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एंड मैंने वो लो फ्लेम में उसको कर दिया है ताकि वो अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाए। एंड पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि पानी थोड़ा सा ना कम है इसमें, तो मैंने और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। मतलब पहले मैंने 1.5 कप पानी लिया था, फिर मैंने उसमें और 1/2 कप जितना पानी डाला होगा, 2 कप जितना पानी मैंने डाला है एंड मैं उसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करना ताकि अगर कोई लम्ब्स है तो वो लम्ब्स भी अच्छे से निकल जाए एंड बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं इसे मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए इसे ढक के रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तब तक मैं छत जाके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ा के आती हूँ। अब देखिए, जल चढ़ाने के आने के बाद यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ये इस तरीके का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं बिकॉज इसको मैश करना है अच्छे से, तो मैश करने के लिए थोड़ा इसको ठंडा करना पड़ेगा। तब तक मैं यहाँ पे जो फिलिंग होती है मोदक की वो बना रही हूँ। तो मैंने उसी कढ़ाई में, उसी फ्राई पैन में गैस ऑन कर लिया है। मैंने नारियल जो है वो एक दिन पहले ही अच्छी तरीके से ग्रेट करके रख लिया था, तो मैं यहाँ पे वो नारियल डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ पे 1.5 कप नारियल ले रही हूँ, ग्रेटेड नारियल। तो साथ में मैं 1.5 कप गुड़ भी ले रही हूँ। अगर आप अपने मीठे के, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप गुड़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दोनों इक्वल क्वान्टिटी में लिया है। एंड हमें इसे फ्राई करना है जब तक इसकी जो रॉ स्मेल है वो ना चली जाए और साथ में एक मीठी मीठी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। 10 मिनट्स इसको फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 इलायची ली है। आप इसे मिक्सर में ग्राइंड मत करिएगा, बस हल्का हल्का इसको दबाना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है और इसे नारियल में ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है। ये
मैंने कभी नहीं बनाया है एंड मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, सो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। क्वांटिटीज़ आगे पीछे हो रही है, पानी भी थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा बनता है। एंड अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। तो मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि मैंने यहाँ पे 1.5 कप नारियल लिया है, तो मैं 1.5 कप गुड़ ले रही हूँ और गुड़ इसमें हम ऐड करेंगे। अब नारियल और गुड़ जैसे ही मिक्स करेंगे ना, तो गुड़ जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होगा, तो हमें इसे ढक के रख देना है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वो अच्छी तरीके से गुड़ मेल्ट हो चुका है एंड अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, तो इसे पूरे अच्छी तरीके से मेल्ट करते हैं। तब तक यहाँ पर मम्मी ने वो खट्टे चावल बनाने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पे इमली भिगो कर रखी है हमने। सो ये देखिए, ये चावल का आटा है, मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और ये मेरी जो गुड़ की पाई थी वो बन चुकी है। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी और तेल दोनों मिक्स करके ले लिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ मोदक। सो टन टन, देखते हैं कैसा बनता है। तो मैंने कल ही ये मोल्ड ख़रीदा है एंड बस अब ये जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है वो मैं इसके अंदर फिल करके अच्छे से सेट कर रही हूँ। ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए एंड मोदक के शेप में आ जाए। अब ये अच्छे से सिकवा, अब मैंने जो गुड़ की जो फिलिंग बनाई है, अब मैं वो उसके अंदर फिल कर रही हूँ। पीछे आरती चल रही है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत वो आरती की आवाज़ भी आ रही होगी। सो बस अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे, देखते हैं कैसा शेप आता है। एंड ये देखिए, शेप तो अच्छा आया है, बट मैं इतना डर रही थी इसे निकालने में। ये साइड से थोड़ा सा फट गया है। ये देखिए, मेरा फर्स्ट मोदक है एंड सेकेंड मोदक फिर मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की कि मैं बनाऊँ, ताकि ये साइड में जो थोड़ा सा टूट गया था वो टूटे नहीं और अच्छे से ये सेट हो जाए। सो ये देखिए, फाइनली मेरे मोदक बन के रेडी हो चुके हैं। कुछ अच्छे बने हैं, कुछ एक दो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। एंड मैंने यहाँ पे स्टीमर रखा है, पानी अच्छे से बॉईल कर लिया, आपको दिख ही रहा होगा धुआं। अब मैं सारा इसके अंदर मोदक सेट कर दूंगी, बिकॉज़ हमें इसे 10 मिनट्स के लिए स्टीम करना है। सो बस यहाँ पे डाल देने के बाद हमें इसे ढक दिया है मैंने, और अच्छे से पूरा टाइट फिट मत करेगा, थोड़ा रहने दीजिएगा हवा। एंड ये देखिए, 10 मिनट्स के बाद मेरे मोदक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एंड मम्मी अब यहाँ पे लेमन राइस बना रही है, मतलब खट्टे चावल। लेमन राइस जो है वो नींबू से बनते हैं, ये पुलियोरी कड़ी बोलते हैं शायद, ये इमली से बनता है। सो इसे हम खट्टे चावल, अभी आदत हो गई है लेमन राइस बोलने की, तो मुँह से लेमन राइस ही निकल जाता है, बट ये खट्टे चावल है। सो यहाँ पे प्रसाद बन चुका है एंड मोदक और ये प्रसाद बनाने के बाद अब हम यहाँ पे हम यहाँ पे गणपति बापा को भोग लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे गणपति बापा को भोग लगाया, सबका मुंह उतरा हुआ था, सबको बहुत, मतलब सब बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। 11-10 दिन हमारे साथ रहने के बाद आज उनका विसर्जन था, तो 11वें दिन तो अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो बस हमने उनको भोग लगाया। तो बस अब मॉम बताएंगी कैसा बना हाँ, और है। टेस्ट नहीं किया था ना, टेस्ट करो मम्मी कैसा है। बहुत अच्छा बना है, पर बिना थोड़ा खाए ही सा अच्छा बना। कैसा है? बहुत अच्छा है सोना, भगवान के भोग में जो अपन मन से करते हैं वो कभी भी वो नहीं होता। बहुत अच्छा बना है, भगवान भी आरोगे और अपन भी सबको प्रसाद बांट के सबको प्रसाद देंगे। ये खट्टा चावल भी देखो, मम्मी बता रही है कि इसमें पूरन थोड़ा सा कम है और स्टफिंग ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता। नहीं मम्मा, थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा लेवल मोरा मीठा अच्छा मजा आता। और यहाँ पे हम तल रहे हैं हरी हरी मिर्च।
वो पहले ना प्रसाद था तो इसीलिए मॉम उसको मतलब बता नहीं रही थी, प्रसाद है तो अच्छा ही अच्छा है। मैंने उनको बोला प्लीज़ एक बार सच थोड़ा सा रिव्यू दे दो ना, तो उन्होंने बताया कि हाँ थोड़ा सा इसमें जो स्टफिंग है वो मैंने कम डाली, बट मोदक की वजह से मतलब छोटा सा मोल्ड था तो कैसे उसमें उतना ज़्यादा स्टफ कर मतलब भरो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। बस फिर उसके बाद हमने गणपति दादा की आरती की एंड बस अब उनके जाने का टाइम हो गया था, तो अजीब सा एक लग रहा था, मतलब अजीब सी फीलिंग थी कुछ समझ नहीं आया। मेरे हस्बैंड का तो पूरा मुंह उतर गया था, बिकॉज़ ये गणपति जब वो लेके आते हैं वो इतने खुश खुश लेके आते हैं, एंड उनका पूरा मतलब सैडनेस था वो एकदम। बस हमने सबने मिल के आरती की एंड हम बस उनका विसर्जन, अब हम उन कान में कुछ बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। मैंने इनको बोला भी प्लीज़ स्माइल करो, तो उन्होंने सैड मतलब बना के हटा दिया, वो बहुत सैड हो गए थे एकदम। मैं पकड़ूंगी ना, बस अब हम गणपति पहले दादा मम्मी दर्शन को कराओ, उठाओ पापा को। उन मतलब मुहूर्त हो चुका था इसलिए हमें उनको उठाना था, हिलाना था वहाँ जगह से, और गणपति हिला के उनको बाप्पा अपने मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने सर मोरिया, पे लिया। अगले बरस तू जल्दी आ। जय कन्नू दादा, जय गणपति बाप्पा। तो एवरी ईयर हर साल मम्मी ऐसा करती हैं कि गणेश जी को लेकर वो पूरे घर में घूमवाती हैं, मतलब मेरे हस्बैंड को बोलती है घूमने के लिए, बिकॉज़ उनका ऐसा मानना है कि जाने से पहले गणू दादा का जो आशीर्वाद है वो बस हमारे घर पे बना रहे। जेठू तुम ये कपड़े खा दो, हाँ तो ले लियो ना, पर बाइको नहीं ना, पे मोदक बाइको नहीं। हाँ यहाँ किचन किचन मंगियो। तो बस गन्नू दादा जा रहे थे तो इसके लिए मम्मी उनके लिए लड्डू लेकर आई, तो वो ही उनको ढूंढ रही है कि वो उनके हाथ में गणपति दादा के हाथ में लड्डू देंगी। तो वही मम्मी बोल रही है कि आज पार्वती माँ और शंकर भगवान जी बहुत खुश होंगे, खुश होके डांस कर रहे होंगे कि उनका बेटा आ रहा है उनके घर वापस पृथ्वी से। तो बस उनके हाथ में वही लड्डू डाल रहे हैं। तो उनके कान में मम्मी कुछ बोल रही हैं, हर साल ऐसे बोलते हैं मतलब जाने से पहले बोलते हैं, बट मेरा मतलब हम लोग की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड तो बोल ही नहीं पाए, तो उन्होंने मम्मी ने बोला। बस फिर लेकर हम जा रहे हैं गुरु दादा को विसर्जन करने के लिए, आंखों में आंसू हैं कुछ, मतलब ये देखकर भी बोलना बहुत टफ हो जाता है। आराम से देखो, आराम से, आराम से भैया, आराम से। ए बटर बटर बीच में, थोड़ा बीच में डाले ना। अरे अरे महेश, अपने मिठला इनका वेट करो। एक बार गणेश महाराज की जय। अरे वाले पटाटा ये ला लो, अब मजा कर आ। जय गणपति पापा मोरया, जय। तो बस गणपति दादा का विसर्जन हो गया एंड अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आज अपना व्लॉग आज यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।